गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पोइट्री ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक. एंड द पोइट्री इज ट्रीज, रिटन बाय बॉर्नस्टीन बॉर्नसन. एंड द पोएम ट्रीज इज अबाउट अ ट्री विच ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट्स बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो आज हम लोग जो हैं वो आपके इंग्लिश कोर्स बुक का फर्स्ट पोइट्री द ट्रीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके चैप्टर टू में है. और इस पोइट्री में किसके बारे में लिखा हुआ है? ट्रीज़ के बारे में. जो ट्री जो है वो खुद बता रहा है कि वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है अपने बर्ड्स को. यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग भी लिख चुके हैं, ठीक है? वर्ड का मीनिंग लिखे हैं. बर्ड यहाँ लिखा हुआ, बर्ड्स मीन्स क्या होता है? न्यूली लीफ, यानी छोटे छोटे जब पेड़ में पत्ते पहले पहले आते हैं उसको कहते हैं बर्ड्स, या फिर आप उसको कहते हैं ब्लॉसम, ठीक है? तो इसका मतलब होता है. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपने बर्ड्स को, अपने फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है. किस चीज़ से? जब ठंड होती है, विंटरी सीज़न होता है, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज़ से हवा चलती है, बारिश होती है, तो वो उससे भी प्रोटेक्ट करता है और विंड से भी प्रोटेक्ट करता है. तो हम लोग जो हैं वो पोइट्री स्टार्ट करते हैं. रेडी विथ लीव्स एंड विथ बर्ड्स स्टूड द ट्री. Shall I take them? The frost said. No, puffing with glee. Oh my! No, let them stand till flowers are at hand. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्री जो है वो अपने बर्ड्स के साथ और अपने लीव के साथ वो खड़ा है, वो स्टूड है, ठीक है? और वो वेट कर रहा होता है के सीज़न चेंज हो. तो अब क्या होता है कि क्योंकि फ्रॉस्ट मीन्स बताए थे ना, यानी कि फ्रॉस्ट मीन्स होता है आइस क्रिस्टल्स, यहाँ लिख सकते हैं, या फिर उसे ड्यू भी कह सकते हैं, ओके? तो यहाँ बता रहे हैं कि फ्रॉस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, वो बहुत खुश रहता है. हेवी यानी कि आसमान में बहुत बड़ा बड़ा सा क्लाउड्स बनता है, बहुत बारिश होती है, तो बहुत खुश रहता. अब उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है विंटर सीज़न में. तो देखते हैं ना पेड़ के पत्ते, तो उसमें जो न्यू लीव्स होते हैं वो भी आ जाते हैं. तो वो इसी में बता रहे हैं, ट्री जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन फ्रॉस्ट से. और बताता है जब फ्रॉस्ट उससे कह रहा है कि क्या वो उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे वो डिसएग्री करता है. यानी कि डिसएग्री कौन कर रहा है? ट्री. ट्री जो है वो डिसएग्री करता है और वो बोलते हैं कि नहीं, इसे रहने दो. और कब तक रहने दो? जब तक कि इसमें फ्लावर्स नहीं आ जाते. डैट मीन्स पहले क्या होता है, पहले सडन तो फ्लावर्स नहीं आ जाते हैं पेड़ में. तो पहले क्या होते हैं? न्यू लीव्स, जिन छोटे छोटे पत्ते आते हैं उसमें, ठीक है? उसके बाद जा कर के उसमें क्या आते हैं? फ्लावर्स वो बन जाते हैं. तो बता रहे हैं कि पेड़ जो है, ट्री जो है, वो फ्रॉस्ट को क्या करता है? मना कर देता है. और क्या बोलते हैं कि उसके बर्ड को तब तक रहने दो जब तक कि क्या नहीं हो लग जाता है उसमें? फ्लावर्स, यानी कि बर्ड जो है वो फ्लावर्स में चेंज नहीं हो जाते हैं. एंड आगे क्या बोलते हैं? ऑल ट्रेम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट केम द प्लिया. फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स इन ग्लैडली सैंग. शैल आई टेक देम? द विंड सेड द मेर एंड मेरिली स्वैंग. नो, ओ माई, नो, लेट देम स्टैंड टिल चेरीज आर एट हैंड. प्रोटेस्टेड द ट्रीज वाइल इट क्विवरिंग हैंग. अब क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, उससे प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है. किससे? फ्रॉस्ट से. पेड़ जो है वो, ट्री जो है वो रिक्वेस्ट करता है, दैट मीन्स किससे? फ्रॉस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसको कुछ ना करें, उसके बर्ड को रहने दें. और अब जब फ्रॉस्ट चला गया है, सीज़न चेंज हो गया है, अब क्या बता रहे हैं कि वो बर्ड से चेंज हो गया किस चीज़ में? फ्लावर्स में. और अब
उस ट्री पे बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं, और जब फ्लावर्स आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो खुश होते हैं, खुश होकर के गाना गा रहे हैं वहाँ पे। तब फिर क्या होती है, विंड आती है। अब विंड बोल रही है, शैल आई टेक देम, द विंड सेड एंड मेरिली स्वैंग। अब क्या होता है, बहुत खुशी खुशी जो है वहाँ से विंड बहती है, विंड बहती है ना, तो विंड जो है वहाँ से बह रही है, और वो बहुत खुशी खुशी उससे पूछती है ट्री से कि क्या वो अब उसे उड़ाकर ले जा सकती है, यानी उन फ्लावर्स को जो है वो हटा सकती है, उन्हें अपने साथ ले जा सकती है। तो अभी भी फ्लावर्स सॉरी अभी भी ट्री जो है वो फिर से मना कर देता है, फिर से बताते हैं ओ माई नो, फिर से यानी कि मत ले जाओ, लेट देम स्टैंड, इसे रहने दो। कब तक रहने दो, टिल चेरीज आर एट हैंड। कब तक रहने देना है, जब तक कि चेरीज जो है वो नहीं आ जाते हैं, ठीक है, यानी चेरीज जब तक किस में नहीं आ जाते हैं, ट्री में नहीं आ जाते हैं, तब तक इसे रहने देना है, ठीक है। इसके प्रोटेस्टेड द ट्रीज वाइल इट क्विवरिंग हैंग। अब क्या बता रहे हैं कि ट्री जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विंड जो है बहुत तेज़ी से बहती है, विंड को लगता है हम इतनी तेज़ी से बह रहे हैं तो इसके सारे फ्लावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वो फिर भी फ्लावर्स जो हैं वो ट्री में रह जाते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे पोएट्री।